प्रोग्राम को भी एक इनिशिएटिव दिया है, एक अदबी मिजाज दिया है। चुनांचा मुल्क के नामवर और मुंतखब उलमाए किराम अहले कलम ज़बान व अदब के माहिरीन आज ईशा में हमारे दरमियान जमा होते हैं और उन्होंने पेश किए होते हैं। इंशाल्लाह आज ये सुनहरा मौका आपकी निगाहों के सामने है। इससे पहले आपने महफिल जमा के अंदर शिरकत करके अपने रूह को गरमाया और आज अपने फिक्र को भी आपको जला देना है। जिस तरह आप महफिल जमा के अंदर बैठ करके कव्वाल के कलाम के आखिरी तीसरे तक आप समाप्त करते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं, इंशाल्लाह ताला आज भी आप इस प्रोग्राम के आखिरी खतीब तक, आखिरी शायर तक आप बैठेंगे यहाँ पे। मुल्क के नामवर उलमा अहले कलम साहबान ज़मान व बयान आपके सामने, सिलसिले अशरफिया खानवान अशरफिया, खासतौर पर सरकार मखदूम पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात, उनकी सीरत व ज़मान है और उनकी जिंदगी के हम कोशों को इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करेंगे। हमारे दूरों दराज से चल करके पूरे मुल्क से जो मेहमान आए हुए हैं उनको बच्चन ही मिनटों में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। मनखबती सिलसिले के आखिर कड़ी मोहतरम मोहम्मद हाशिम अशरफी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा तीन शेर के लिए आ जाए अपना कलाम पेश करके जो है सामने को महसूस करें। दीदार अशरफ से मेरा दिल और मन भरता नहीं। चेहरे अशरफ का दिखता नूर है हसनैन का, चेहरे अशरफ का दिखता नूर है हसनैन का। और आका इमाम हुसैन की शान में तीन से पर समाप्त हो पाए।
हसनैन करीम है,